हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल। वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आप कैसे अपना वीज़ा शेंगेन फर्स्ट टाइम में वेरी लेस रिफ्यूजल चांसेस के साथ में कैसे ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सारे व्यूवर्स को सब्सक्राइबर को थैंक यू। आप कंटिन्यूसली चैनल को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, वॉच कर रहे हो मेरी वीडियोज़ को। और आज की हम वीडियो आपको लेके आए हैं अनदर सक्सेस स्टोरी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पासपोर्ट लो ग्रेड है, आपका पासपोर्ट पाकिस्तान नेशनलिटी से है, अफगानिस्तान नेशनलिटी से है, बांग्लादेशी नेशनलिटी से है, इंडियन नेशनलिटी से है, या एशियन कोई भी कंट्री है आपके पास में, या फिर आपका अगर वीज़ा प्रोफेशन अच्छा नहीं है, तो कैसे आप डायरेक्टली अपना वीज़ा शेंगेन का ले सकते हो विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री। सो बहुत सारी ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मैंने इसी चैनल के ऊपर अपलोड की है, आप उसको भी देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आप कैसे अपना वीज़ा शेंगेन फर्स्ट टाइम में वेरी लेस रिफ्यूज़ल चांसेस के साथ में कैसे ले सकते हो। तो ये क्लाइंट में हम पर्टिकुलर बात करेंगे पहले नेशनलिटी की। पाकिस्तानी नेशनल थे, हमारे पास यूए के अंदर आए थे मेरे ऑफिस में। यहाँ पे आके इन्होंने बात किया कि ये शेंगेन जाना चाहते हैं, तो हमने पूछा कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो इन्होंने बताया दिस नो ट्रैवल हिस्ट्री। मैं पासपोर्ट भी आपको रिवील करता हूँ, यहाँ से इनका पासपोर्ट शुरू होता है टिल लास्ट। सिर्फ इसमें एक शेंगेन का वीज़ा जो हमने लेके दिया है और कनेक्टिंग कंट्री का वीज़ा हमने लेके दिया है तुर्की का, जिसके अंदर इन्होंने ट्रैवल नहीं किया, ये इनका यूएई का वीज़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ शेंगेन वीज़ा जो हमने लेके दिया है वाया तुर्की कनेक्ट करके। इसके बाद में इस वीज़ा को लगाने के लिए हमने पहले इनका तुर्की का वीज़ा प्रोसेस किया, जो कि स्टिल वैलिड वीज़ा है। तो इन दोनों वीज़ा के बिना और दुबई के वीज़ा के बिना इनका कोई भी पासपोर्ट पे और थर्ड कोई वीज़ा नहीं है। तो जब ये हमारे पास में आए तो फर्स्ट हमने इनका तुर्की का वीज़ा प्रोसेस किया। तुर्की का वीज़ा दो तरीके से बेनिफिट करता है। जिस पासपोर्ट पर कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती है तो हम वाया करके प्रोग्राम बना सकते हैं। इनका पूरा पहले पासपोर्ट आप देख लो, फिर हम डिटेल में बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। दुबई के वीज़ा के बिना कोई भी थर्ड वीज़ा नहीं है, तो हम वाया करके प्रोग्राम बना सकते हैं फ्रेश पासपोर्ट के लिए स्पेशली। वाया इन द सेंस, जब भी आप दुबई से या इंडिया पाकिस्तान से शेंगेन को जाते हो तो तुर्की ऑलमोस्ट रास्ते में ही आता है, ऑन द वे तुर्की है। तो आपको पर्टिकुलर कोई अलग से पाथवे नहीं लेना पड़ेगा, फ़्लाइट का आपका एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, सिर्फ आपका एडिशनल जो खर्चा आएगा वीज़ा प्रोसेसिंग में, और जब आप ट्रैवल करोगे आपका एक या दो दिन का होटल का एडिशनल एक्सपेंस आएगा। फ़्लाइट ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिलता है। अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट भी लेते हो तो आप जब फ़्लाइट अपनी बुक करते हो शेंगेन रियल में जाने के लिए, तो आप स्टे वाला फ़्लाइट ले लो जो कि तुर्की स्टे करके जाता है। स्टे 24 घंटे 48 घंटे एक दिन दो दिन मैक्सिमम स्टे वाला फ़्लाइट ले लो। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका फ़्लाइट का कॉस्ट कम हो जाएगा, सेकंड आपका तुर्की का भी ट्रैवल हिस्ट्री बीच में लग जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले वीज़ा जो अप्लाई करेंगे ये तुर्की का वीज़ा अप्लाई करेंगे। तुर्की का वीज़ा 90 दिनों का आता है, 90 डेज़ का। तो लेट्स सपोज आज हमने ये वीज़ा अप्लाई किया है, विद इन 10-15 डेज़ ये हमको वीज़ा मिल जाता है। तो 10-15 डेज़ से 90 दिनों तक ये वीज़ा वैलिड है। राइट आफ्टर दिस वीज़ा, जब आपको ये वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर पेश हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, शेंगेन का वीज़ा अप्लाई करना है ट्रायंगल बना के, कि आप दुबई से या आपकी होम कंट्री से पहले तुर्की जाओगे, तुर्की का टिकट दिखाना है, वहाँ पे स्टे दिखाना है 2-4-5-7 दिनों का, वहीं से वापस नहीं आना है, वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट करेंगे जिस कंट्री शेंगेन में हम आपका वीज़ा अप्लाई करें। इन भाई साहब का हमने वीज़ा अप्लाई किया था स्विट्ज़रलैंड के लिए, तो इनका हमने वाया तुर्की से ही इस्तांबुल से सीधा टिकट लगाया था स्विट्ज़रलैंड के लिए। स्विट्ज़रलैंड इनका हमने स्टे दिखाया 7-8 दिनों का, तो स्विट्ज़रलैंड इनको वीज़ा दे दिया है। स्विट्ज़रलैंड से वापस इनका हमने प्रोग्राम बनाया था दुबई आने के लिए, तो एक ही बार में दो कंट्री इन्होंने ट्रैवल करने के लिए हमने दिखाया, तो पहले तुर्की फिर स्विट्ज़रलैंड फिर वापस दुबई। इस तरीके से करने से क्या होता है, इनको वीज़ा चांसेस है जो शेंगेन का बहुत हाई हो जाता है। सेकेंड जो चीज़ है, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री वीज़ा मिल गया, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर डाउट कम हुआ। यूजली जब आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई करते हो उसके ऊपर ये डाउट लगा देती है एम्बेसी कि हमको शक है आप उधर से वापस नहीं आओगे, या आप उधर ओवरस्टे करोगे, या आपका उधर जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है वो ऑथेंटिक नहीं है। तो डाउट वाले ऑब्जेक्शन लगा लगा के आपका पर्पज़ ऑफ जो आपने दिया है वो रिलायबिलिटी नहीं है, तो डाउट के ऊपर यूजली कि आप उधर से वापस नहीं आओगे या ओवरस्टे करोगे, एम्बेसी वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है।
अगर आप वाया थर्ड कंट्री वीज़ा अप्लाई करते हो, स्पेशली दुबई से, यूएई से, तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाता है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर आपको शेंगेन का या तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना है, तुर्की के वीज़ा के लिए हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो 300 दिरहम है, प्लस एम्बेसी फ़ीस जो आपको VFS एम्बेसी फ़ीस पे करना है वो एडिशनल है। सिंगल कैंडिडेट के लिए 300 है, अगर फैमिली केस है उसके लिए 250 दिरहम ईच कैंडिडेट आएगा। आफ्टर दिस वीज़ा हम शेंगेन वीज़ा प्रोसेस करेंगे। शेंगेन के लिए आपका 800 दिरहम चार्जेस आएगा, इंडिविजुअल के लिए अगर फैमिली है तो उसके लिए आपको 600 ईच कैंडिडेट पे करना पड़ेगा। यह है फीस की बात। टाइमिंग अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिन तुर्की के लिए लगता है, अराउंड 20-25 डेज शेंगेन वीज़ा के लिए लगता है, इंक्लूडिंग द एम्बेसी डेज आल्सो। तो उसके बिना डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं, अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है तो इसके लिए आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वी शुड बी वैलिड मोर देन 6 मंथ, आपका यूए का वीज़ा कॉपी, आईडी कॉपी 4 महीने से ज़्यादा ये वैलिड रहना चाहिए, 3 मंथ का एटलीस्ट आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें कम से कम 12 से 15 हज़ार अवेलेबल बैलेंस आपको दिखाना है एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो उसके बिना NOC लेटर चाहिए आपकी कंपनी से, फ़ोटो चाहिए आपका। तो ये 5 और 6 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तुर्की के लिए कोई भी वैक्सीन रिक्वायर नहीं है, बट शेंगेन के लिए आपको दोनों डोजेस वैक्सीन का विद इन 6 मंथ लेना है, क्योंकि बहुत सारा जो कंट्री है अभी के टाइम में रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, जिसका वैक्सीन ओवर 180 डेज है उसको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी वैक्सीन विद इन 180 डेज ही लगा के ट्रैवल करो। अप्लाई करने के लिए आपकी वैक्सीन कंप्लीट होनी चाहिए, वो 180 डेज है या उसके ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वीडियो में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे या वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सो दैट ऑल कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू टू वॉच।